हेलो दोस्तों, फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं वन प्लस नोट टू मैंने यहाँ पे खरीद लिया है। ये वाला फ़ोन मैंने ले लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आगे से मैं जो भी मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा तो इसी फ़ोन से वीडियो बनाऊंगा, ये वाला फ़ोन से। तो देख सकते हैं अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसी फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और इसका जो अनबॉक्सिंग किया है मैं दूसरे फ़ोन से किया है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा, और किस तरह से ये फ़ोन है वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। ये फ़ोन मुझे लेने में बहुत सारा दिक्कत हुआ क्योंकि ये फ़ोन जितना पैसे का है उसमें मुझे पैसा नहीं था मेरे पास, फिर भी मैंने ये फ़ोन ले लिया क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। क्योंकि जो मेरा फ़ोन था ना वो सोनी का था, वो उससे क्या होता था जब भी मैं कोई वीडियो बनाता था तो हैंग कर रहा था, तो इसके वजह से मुझे दूसरा फ़ोन लेने का था। तो इसलिए मैं सोचा कि कौन सा फ़ोन, इसलिए मैं कॉल किया था। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों ने मुझे वन प्लस नोट टू को लेने के लिए मैं ज़्यादा एक ही है कॉल किया था, तो उसमें ज़्यादा परसेंट उसमें मिला था, कम से कम 91% मतलब वहाँ परसेंट मिला था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देख सकते आपके लोगों के कहने भी मैंने वन प्लस नोट टू लिया है, और ये फ़ोन मैंने लिया है 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल मेमोरी है इस फ़ोन का। तो ये वाला फ़ोन लिया है ताकि कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो इससे। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, ये भी जो वीडियो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा है तो इसका क्वालिटी कैसा आपको लगा, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो में आगे दिखा देते हैं। इसका जो अनबॉक्सिंग किया है वो मैं आपको इस दूसरे फ़ोन से किया था, तो उसको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता है। तो देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें। तो यहाँ पर देख सकते मैंने इसको यहाँ पर जो पन्नी था पहले खोल दिया था, तो अभी मैं आपको यहाँ पर खोल के दिखा देता है। और इसके अंदर यहाँ पर देख सकते फ़ोन है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला फ़ोन है। तो इसको यहाँ पे फ़ोन है तो इसको पहले यहाँ पे साइड रख देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। वो पहले मैं यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कुछ जो इसमें कागज़ वगज है वो सब है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको यहाँ पर देख सकते इसमें इसका मोबाइल का कवर है, यहाँ पर एक कवर है आपको इसमें मिल जाता है इस फ़ोन में, ये वाला कवर यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कवर है ये भी। और इसको देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे फास्ट यहाँ पर 65 वाट का जो चार्जर रहता है वो सबसे फास्ट ये वाला चार्जर है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला चार्जर आपको मिलेगा, और यहाँ पे रेड केबल आपको मिल जाता है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता है। यहाँ पे देख सकते हैं रेड केबल, ये वाला केबल आपको मिल जाता है इसमें, तो ये सब आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आपको इस फ़ोन बहुत ही अच्छा है, हमको मैं बहुत सोच समझ के फ़ोन लिया। आप लोगों को उसमें पूछा भी था कौन सा फ़ोन लूँ, तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने बताया मुझे कि ये वाला फ़ोन ले लीजिए, तो मैंने ये वाला फ़ोन लिया। अब मैं आपको यहाँ पे फ़ोन को यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन सा फ़ोन लिया है मैंने, और यहाँ पे जो फ़ोन का डिज़ाइन है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता है। इसको सब नीचे रख देता हूँ यहाँ पे, अभी फ़ोन मैं यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं तो ये वाला फ़ोन है, इसका डिज़ाइन यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का ये वाला डिज़ाइन है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा है। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पे हेडफोन लगाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको अलग से मेमोरी नहीं डाल सकते हैं इस सब फ़ोन में। और यहाँ पे आपको ये जो मैंने फ़ोन लिया है इसमें 12 GB रैम है और 256 GB इंटरनल मेमोरी है, ये वाला फ़ोन लिया क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, मुझे ज़्यादा इंटरनल मेमोरी चाहिए था और ज़्यादा रैम, तो इसलिए मैंने ये वाला फ़ोन लिया। और इसमें इंटरनल मेमोरी भी ज़्यादा है और इसका कैमरा क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और इसमें जो भी मैं आपको कल से जो वीडियो बनाऊँगा तो ये वाला फ़ोन से वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फ़ोन से। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस फ़ोन से जो वीडियो बनाऊंगा वो कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको, यहाँ पे कैमरा में आपको दिखा देता हूँ पहले, यहाँ पे देख सकते हैं जो कैमरा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर पीछे वाला कैमरा मैं आपको यहाँ पर करके और यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता इस तरह से। और यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं यहाँ पर पीछे कैमरा किया है, और इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से मैं आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, और बहुत सारे आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाता है आपको, और बहुत अच्छा से मतलब इसमें कैमरा भी हो जाता है। तो ये फ़ोन मैंने ले लिया है, और ये इसमें YouTube के पैसे से लिया है मैंने, और YouTube के पैसे से लिया है तो इसमें मतलब कुछ YouTube का पैसा है, कुछ अपने पास से भी लगाया है। और ये टोटल फ़ोन मुझे मत कितना पड़ा है तो समझ लीजिए, आपको पता होगा नोट टू कितने में आता है, तो आप सभी को पता है ये जो फ़ोन मैंने लिया है ये पूरा 35,000 को पड़ गया है। यहाँ पे 12 GB रैम वाला जो मैंने फ़ोन लिया है तो इसमें 35,000 रुपये तक लग गया है, तो ये वाला फ़ोन मैंने लिया है। तो इस आगे से जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा तो
तो इस फ़ोन से वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो क्वालिटी कैसा लगा आपको। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाऊँ इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।